टाटा स्टील में 35 की बहाली निकल गई है, प्रत्येक वर्ष बहाली निकलती है, सीट की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन इस बार टाटा स्टील के अलावा कलिंगा नगर प्लांट और पूना प्लांट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, और जो लोग टाटा स्टील में काम करते हैं उनके पुत्र और पुत्री, बहू और बेटे को ज्यादा सुविधा इसमें दिया जाएगा, और उनको अगर वो नौकरी 15 से 25 वर्ष तक कर चुके हैं तो उनके पुत्रों को इसमें फायदा मिलेगा, और जो बाहरी लोग हैं यानी कि जिनके माता या पिता टाटा स्टील में काम नहीं करते वो भी वैकेंसी भर सकते हैं, उनको 75% बोर्ड परीक्षा में लाना अनिवार्य कर दिया गया है। और चार राज्यों को, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ झारखंड के बच्चे फॉर्म भर रहे थे, इस बार इसका दायरा बढ़ा करके झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, चार राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हमारा आज का प्रश्न ये है कि क्या टाटा स्टील में जो बहाली हो रही है झारखंड के अलावा 3 अन्य राज्यों को मौका दिया गया है, ये आपको क्या सही लगता है? क्या आपको लगता है कि इससे झारखंड के बच्चों का जो सीट है वो कम होगा? आपको क्या लगता है? आप हमारे मैसेज बॉक्स में आकर के मैसेज जरूर कीजिएगा कि टाटा स्टील ने जो नई वैकेंसी निकाली है इसमें एनएस ग्रेड 4 में सीधा बहाली होता है। टाटा स्टील की बहाली टाटा कंपनी जमशेदपुर के अलावा कलिंगा नगर का प्रोजेक्ट और पूना प्रोजेक्ट के लिए भी निकाली गई है, और इस वैकेंसी में पिछली वर्ष 2017 में 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। रिटेन परीक्षा के बाद इसमें काउंसलिंग होती है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। इस बार भी उम्मीद है कि 15 से 20,000 छात्र छात्राएं अपीयर होंगे, क्योंकि झारखंड के अलावा बच्चे उड़ीसा, बंगाल और बिहार का भी भर सकते हैं, यानी कि जिनके पास ये चार राज्यों का, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की किसी के पास डोमिसाइल है स्थानीय, तो वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, उन्हें फॉर्म भरने दिया जा सकता है। अब बात करेंगे इसके सिलेबस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के अलावा जनरल नॉलेज के भी कुछ करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारा वीडियो लगातार देखते रहिएगा और इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारी जानकारी एक साथ दी हुई है, और इसके बाद आप इसको अच्छा से देख सकते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो का सेक्शन हो, जनरल नॉलेज हो और इंग्लिश और मैथ के ट्रिक्स बताए गए हैं, आप उसको देख करके निर्णय लेंगे कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। टाटा स्टील की जब अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी का डेट और परीक्षा के डेट में मुश्किल से 1 महीना का भी समय नहीं होता, यानी कि 1 मंथ के अंदर सारा कुछ हो जाता है, परीक्षा की तिथि अनाउंसमेंट, फॉर्म फिलअप से लेकर के रिजल्ट भी हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए, और साइंस के पोर्शंस को ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा बहुत करेंट इवेंट को आप देख लीजिएगा, जनरल नॉलेज में इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा, तो टाटा स्टील के अप्रेंटिस को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ में आप ITTR इंडो डेनिश स्टोर रूम और टाटा मोटर्स अप्रेंटिस का फॉर्म भी आप भर सकते हैं, ये 3 वैकेंसी एक ही तैयारी में आपका हो जाएगा, और इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन हो जाने के बाद में आमतौर पर लोगों की जो है वो जानकारी हो जाती है। कई व्यूअर ने पूछा था कि क्या NTTF को मान्यता मिला हुआ है, हम आज ये बताने जा रहे हैं कि NTTF को भारत सरकार से कोई भी मान्यता नहीं है, और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे को इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं मानी जाएगी। कई ऐसे पुराने छात्र छात्राओं से हमने बात किया कि उन्होंने जो NTTF से डिग्री ले रखी थी उन्हें सिर्फ टेक्निकल डिग्री देगी, टाटा स्टील इसको मान्यता देगा, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में इसको मान्यता नहीं दी जाती है। और अगर आप NTTF से कोई कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आगे आने वाले समय में आपको फिर से एक डिग्री लेनी पड़ेगी इंटरमीडिएट, क्योंकि इसके आधार पर आप आगे कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जो व्यूअर ने पूछा होगा उनकी निश्चित रूप से जिज्ञासा शांत हुई होगी, और भी कई व्यूअर ने क्वेश्चन किया है, हम अगली जो वीडियो होगी उसमें सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और कई व्यूअर ने झारखंड से जुड़ा हुआ एक मसले पर कई कमेंट किया, कई कमेंट तो हमारे लिए पर्सनल है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सिर्फ विश्लेषण करते हैं, यानी कि जो सरकार बोलती है उन चीजों पर हमारी विश्लेषण होती है। आप भी इस पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि जो भी कानून सरकार बनाती है हम सिर्फ उस पर अपना पक्ष भी नहीं रखते, बल्कि उसको हूबहू आप तक भेज देते हैं। समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी बताते हैं। धर्मांतरण विधेयक पर कई हमारे भाई बहनों ने उस पर कई कमेंट किया है, कई लोगों की कमेंट बहुत सराहनीय है, कुछ लोगों ने सीधा सीधा हमें इसके लिए जिम्मेवार बता दिया, लेकिन उन्हें हम बता दें कि संविधान को देखते हुए ये विश्लेषण किया गया, और इसके लिए हमने कोई भी अपनी ओर से टिप्पणी नहीं की है, हम सभी धर्मों का एक समान आदर करते हैं, और भारत
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए एक जैसा माहौल है। उम्मीद है कि उन लोगों को उसका उत्तर मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।